तो दोस्तों मैं आप सबके लिए आज फिर से एक ऑल्ड इंडियन सॉन्ग के ऊपर स्टेटस वीडियो एडिटिंग लेके आ गया। दोस्तों ये थोड़ा सैड सॉन्ग के ऊपर स्टेटस है, मेरे को अच्छा फोटो नहीं मिला तो मैं आज कोई सा भी फोटो के ऊपर आज स्टेटस बना दिया। आप अपना फोटो चॉइस करके आज फोटो बना लेना। ये फोटो मैं टेलीग्राम चैनल में भी दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अच्छा या फिर आपका ही कोई अच्छा सैड पोज वाला फोटो है तो आप फोटो को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों स्टेटस आपको कैसे एडिटिंग करना है मैं आप सबको समझाऊंगा। इस वीडियो के पूरे लास्ट तक देखिए, वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या इफेक्ट को यूज़ करना है। फ्रेंड्स तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि कुछ भी मटेरियल वगैरह को अगर आपको डाउनलोड करना है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको टेलीग्राम चैनल में आपको अलर्ट मोशन ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, आप इजीली वहां से इंस्टॉल कर सकते हो उसको। ओके, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ नो वाटरमार्क वाला। ओके, तो अभी आपको चलिए एडिटिंग कैसे करना है मैं आप सबको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको उसे ओपन करना होगा क्या, अलर्ट मोशन एप्लीकेशन को। मैं यहाँ पे थोड़ा डेटा को ऑन कर लेता हूँ। अलर्ट मोशन एप्लीकेशन ये रहा मेरे को, मैं ये इस पर टैप कर दिया। मैं यहाँ पे थोड़ी देर लोड लेगा, उसके बाद आपका ओपन होके आ जाएगा दोस्तों, और आगे क्या प्रोसेस है मैं आप सबको समझा दूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा घूम रहा है यहाँ पे, उसके बाद आपका लोड होकर आ जाएगा। यहाँ पे फेसबुक पे क्या क्या आ रहा है, मैसेजिंग आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको इग्नोर कीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे ओपन होकर आ गया है। ओके, यहाँ पे आपको ओपन होकर आ जाए, इधर आपको प्रोजेक्ट के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे अरे यार, यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉल वगैरह आ सकता है, मैं एरोप्लेन मोड पे लगा देता हूँ। यहाँ पे आपको इस तरीके से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपका जो जैसे आप प्रोजेक्ट पे आएंगे इस तरीके से नहीं आएगा, ये दो प्रोजेक्ट आपका आ जाएगा। कहाँ से आपको इन दोनों प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको टैप करना है, रिडायरेक्ट कर देगा, अलर्ट मोशन आप इंपोर्ट कर सकोगे। सबसे पहले आपको सॉन्ग बीट मार्क को ओपन करना है। ओके, देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने इफेक्ट लगा के रखा है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। फर्स्ट तरफ आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक कर देना है। आपको अपना फोटो कोई सा भी अगर आपका जैसे मैंने बताया आपका अगर कोई अच्छा वाला फोटो है तो आप यूज़ कर सकते हो उसको। मैं यहाँ से ये फोटो को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये फोटो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे थ्री डॉट का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना है। यहाँ पे तीन नंबर पे क्लिक करना है, इसे थोड़ा जूम कर लेना है इस प्रकार से। एक नंबर पे क्लिक करना है, इसे इस तरीके से आप थोड़ा सेट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आपको अगर आपका कोई फ्रेंड्स एक PNG जो है फ्रेंड्स, ये PNG मैं आप सबको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल से आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये PNG में ले लिया। ओके, इसे आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो, आप कहीं पर भी इसे लगा सकते हो, ऊपर नीचे कहीं पे। तो मैं इधर नीचे तरफ सेट कर देता हूँ। ओके, और सबसे पहले आपको पूरे लास्ट तक आ जाना है। यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इसका लेयर पूरे लास्ट तक आ जाएगा। इसी प्रकार इसका लेयर भी आपको लास्ट तक कर देना है। उसके बाद आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करना है, कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर स्लाइड करते जाना है। यहाँ पे आपको मतलब सॉन्ग के ऊपर जो ब्लू कलर का है ये सॉन्ग के ऊपर रख देना है। उसके बाद आपको इसे भी आपको इस तरीके से नीचे कर देना होगा। आप चाहो तो इधर भी रख सकते हो, यहाँ पे मैंने रख दिया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपका PNG सेट हो चुका है। आप इसमें शेडो वगैरह भी ऐड कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आप सबको बता देता हूँ। आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा, इफेक्ट पे क्लिक करना होगा, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना होगा। लॉन्ग शेडो का इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। तो लॉन्ग शेडो मेरे को मिल चुका है। नीचे आ जाना, अल्फा आपको मिल जाएगा। अल्फा आपको थोड़ा आपको डार्क कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद आपको साइज आपका जो रहेगा आपको इसे थोड़ा आपको माइनस करना होगा, 15 के अराउंड कर दीजिए, 15-14। ओके, उसके बाद आपको इसे क्या करना होगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा, कॉपी इफेक्ट कर देना है। फिर बैक चले जाइएगा, इधर फर्स्ट तरफ आ जाइएगा। आपका अगर कोई लोगो है नेम का तो आप लोगो ऐड कर सकते हो। लोगो में इफेक्ट कैसे लगाना है वो भी मैं आप सबको भी बता दूंगा। लोगो आपको अपना सबसे पहले ले लेना है। तो मैं फ्रेंड्स आप सबको लोगो ऐड करके बता देता हूँ। ये लोगो मेरे को मिल चुका है, लोगो ले लिए। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में अभी क्लिक करेंगे, तीन नंबर पे क्लिक करके इसे थोड़ा जूम कर लेंगे। फिर आपको एक नंबर पे आ जाना है, इसे इस तरीके से आपको कहाँ पे लगाना है आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से कर देना है। ओके, इस तरीके से कर देना है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, इसका लेयर सबसे पहले आपको लास्ट तक करना होगा इस प्रकार से। उसके बाद आपको फिर से फर्स्ट तरफ आ जाएंगे, इस तरीके से बीट मार्क में रुकिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये की का ऑप्शन जो दिख रहा है प्लस का, यहाँ पर आपको लगा देना है। पूरे लास्ट तक आ जाना है, यहाँ पे फिर से एक की का ऑप्शन लगा देना, और इसे रेड लाइन के थ्रू इस तरीके से सीधा एकदम लाइएगा फ्रेंड्स। ओके, लाइन आपका हमारा इसे लाइन को आपको सीधा रखना है। ओके, इस प्रकार से आपको कर देना है। देख सकते हो आपका यहाँ तक लग चुका है।
इफेक्ट देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका लग जाएगा। उसके बाद आप अपने जो इफेक्ट कॉपी किया था इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करके इफेक्ट पेस्ट कर देंगे, आपका यहाँ पर भी ये इफेक्ट रेडी हो गया। उसके बाद आपको एक बार यहाँ से सिंपली बैक चले जाएंगे, यहाँ पे आपको जो इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट में दिया रहा है वो यहाँ पे आ जाना है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके इफेक्ट को कॉपी कर लेंगे, बैक चले जाएंगे, सॉन्ग बीट मार्क पर फिर से रिटर्न आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आपका लोगो मिल जाएगा, लोगो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपका फोटो मिल जाएगा, फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके इफेक्ट पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपका लोगो का जो लेयर है इसको आपको नीचे कर देना होगा इस प्रकार से इधर, ओके यहाँ पे मैं कर दिया, देख सकते हो इफेक्ट क्या ही शानदार तरीके से लग गया है। उसके बाद अभी आपको क्या करना है, और एक पीएनजी का लिंक मैं आप सबको टेलीग्राम चैनल में ही दे दूंगा, ये हार्ट जो है ये आप सिंपली आप टेलीग्राम चैनल से ही डाउनलोड कर सकते हो, तो मैं इसे लगा के बता देता हूँ। इसको भी ले लिए, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे, यहाँ पर रोटेट का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसे आप जितना चाहो, मैं -25 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ, और इसे इस प्रकार से आप लगा लीजिएगा इस प्रकार से कुछ, ओके अच्छा लगेगा। अगर आप चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, मैं लगा दिया, ओके इसका लेयर भी लास्ट तक कर देंगे इस प्रकार से, और इसके पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, इसको भी आपको इस तरीके से नीचे कर देना होगा इस प्रकार से कुछ। देख सकते हो आपका स्टेटस पूरा बन के रेडी हो चुका है, जैसा मैंने प्रीव्यू में दिखाया था उस तरीके से आप सबके लिए बना के रेडी कर दिया। अभी आप कुछ सेव करने का प्रोसेस बता देता हूँ, इस एरो पे क्लिक करेंगे, वीडियो के राइट साइड में इस एरो पे क्लिक करेंगे, जो एक मिनट, हाँ अभी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे पिक्सल वगैरह बढ़ा सकते हो, उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपको वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं इस तरीके से आप सबके लिए जो है वीडियो जो है लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।